गुड मॉर्निंग कैसे हैं भाई सभी एक बार जल्दी से बता देंगे और ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है फटाफट से बताओ भाई एक बार जल्दी से जी हाँ आपका सेशन रोज सुबह जैसा आप जानते हो 11 बजे शुरू होता है 21 दिन 21 मैराथन हमारी कंप्लीट हो चुकी है जहाँ हम पूर्ण रूप से आने वाले आपके सभी रेलवे एग्जाम्स में किस तरह से अलग अलग साइंस के टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको कवर कर रहे हैं जिसमें हमने पूरी साइंस में लगभग आपके मेजर पोर्शन को कवर किया जो रेलवे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इक्कीस दिन की ये क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है जो आप लोग अपने इस चैनल पर देख सकते हो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जोड़ यानी कि हड्डियाँ हड्डी मतलब हड्डियों के अंदर कौन कौन से जोड़ आपके यहाँ पर उपस्थित होते हैं कि अब तक तो मैम ये समझा कि कल हमने 206 हड्डियों को याद किया था भाई सबको अच्छे से क्लियर हो गया था कि नहीं एक हम सब का साइन शेयर कर देंगे मुझे कि मैम हमें ना कल वाला क्लास जो है जिसमें हमने सारे के सारे अलग अलग हड्डियों के बारे में समझा हमारे कपाल से लेकर के हमारे चेहरे में हमारे रीढ़ की हड्डी पसली हाथ पाँव लगभग सारी हड्डियाँ हमने कल पढ़ ली थी अब मुझे ये जानना है कि ये हड्डियाँ तो हैं कि हाथ है पाँव है ये जुड़ी किससे होती हैं इनके बीच में जोड़ कौन सा उपस्थित होता है तो आज के सेशन को कुछ उसी प्रकार से करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे जोड़ों के अध्ययन से कि कितने प्रकार के देखे जाते हैं ठीक है अब मुझे एक चीज़ डायग्राम से कोई बात नहीं अच्छा आज के सेशन में ना मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो तैयार रहना थ्योरी भी उसी हिसाब से पढ़नी है कलम किताब लेके बैठ जाना सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर देना ताकि आपके सभी दोस्त भाई बंधुओं तक भी क्लास आपकी पहुंच जाए ठीक है जो अभी तक नहीं आ पाए हैं उन तक भी ये क्लास रेगुलर चलेगी रोज सुबह ग्यारह बजे चलती आ रही है पिछले कई महीनों से और लगातार ही चलती रहेगी ठीक है सेम टाइम सेम जगह सुबह के ग्यारह बजे चलिए जी तो शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक जिसका नाम है जोड़ अब मुझे एक बात बताओ कल हमने हड्डी पढ़ी के के लिए एक शब्द पढ़ा ऑस्टियो हड्डियों अध्ययन को कहा ऑस्टियोलॉजी मुझे बताओ कि अगर हम हड्डियों से हटके जोड़ों पर आते हैं पर आते हैं तो इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है जल्दी जल्दी से बताओ देखो आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है मतलब तबियत तो वायरल फीवर वगैरह सब चल रहा है तो हो सकता है आपको आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे लेकिन फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि आप तक रेगुलरली और ये अच्छे से क्लियरली आवाज जो है वो पहुंच जाए पार्थ ने आंसर कर दिया है ऑर्थ्रो वर्ड आता है ठीक है बहुत बढ़िया भाई तो जोड़ों के लिए जैसे हमने हड्डियों के लिए नाम दिया था आपका ऑस्टियो ऐसे ही मैम अगर हम जोड़ की बात करें जॉइंट्स की बात करें तो यहां पर इनके अध्ययन को इसकी स्टडी को कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी आप सबने सुना होगा वो एक डॉक्टर आर्थ्रो करके आता है है ना सुना होगा कि नहीं सुना नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं मैडम वो डॉक्टर ऑर्थो आर्थो हमने सुना है हड्डियों में जोड़ों में दर्द हो जाए तो भैया उसको लगा लेना तो खैर फिलहाल जोड़ों के लिए शब्द आता है आर्थ्रो हम अगर एक जंतु जगत का संघ भी देखेंगे जहां पर नाम आता था आर्थरो याद करो एनिमल किंगडम में तुम्हें पढ़ाया था आर्थ्रोपोडा शब्द में आर्थ्रो वर्ड किसके लिए आता है जोड़ों के लिए जॉइंट के लिए ठीक है और पोडा मतलब हाथ व तो इसको हम कहते हैं जुड़े हुए हाथ और पाओ यहां कहा जाता है इसी प्रकार से आर्थ्रो वर्ड यहां किसके लिए आ रहा है जोड़ के लिए आ रहा है हिंदी में बात करूं तो आप लिख सकते हो आर्थरोजी और इस शब्द का मतलब होता है जॉइंट्स या फिर जोड़ लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन जिसको हम स्टडी भी यहां पर हैं तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जोड़ों का अध्ययन या पर कहा जाता है लेकिन नहीं है भाई साहब अगर घूम गया तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी कि कि किसी कंकाल की खोपड़ी मैंने पूरी घूमते हुए देख ली थी मैडम रातों की नींदें गायब हो गई क्यों क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है हमारा हेड भी पूरा थ्री डिग्री मूव नहीं कर सकता कुछ तो वजह होगी ना कि यह हाथ मूव कर रहा है अगर मैं इस कोनी की बात करूं तो एक ही दिशा में मूवमेंट है मैं इससे पीछे लेके जाऊंगी तो बताओ हो क्या होगा हड्डी टूट जाएगी मैम इससे पीछे नहीं जाएगा ऐसा ही होता है ना तो कुछ भाग जो इजीली मूवमेंट पूरी तरह से करता है कहीं कहीं कल के होमवर्क आंसर को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे देखिए अगर किसी को भी ऐप में लॉगिन करने में इशू आ रहा है तो थोड़ा सा कहते हैं सरकारी बाबू बनने जा रहे हो पेशेंस नहीं है तो मैम बहुत दिक्कत होने वाली है कि सब्र ही तुम्हारा इम्तिहान है जो आगे जाकर के तुम्हें काम तक पहुंचाएगा आज अगर सब्र करना सीख गए आज अगर पेशेंस रखना सीख गए तो मैम कल तो हमें सिलेक्शन लेकर के बहुत कुछ सब्र के साथ ही कार्य को करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना टीम अभी काम कर रही है आपका ऐप आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा आप लॉग भी कर पाओगे कोई समस्या आपको नहीं आएगी टेक्निकल दुनिया मैम डिजिटल इंडिया है बहुत चीजों में टेक्निकली समस्याएं आ जाती है और उसको भी ठीक कर दिया जाता है तो थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा यहाँ पर बस पेशेंस बना करके रखिएगा आप लॉग आसानी से कर पाएंगे ठीक है कोई भी परेशानी मत लेना एप्लीकेशन बढ़िया से करेगी एक काम कर देना जाके जब तक जल्दी से, से सेशन को शेयर करके आ जाओ क्लास को तो हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ढेर सारी करेंगे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा तो मैम हम ये कह रहे हैं जोड़ों का अध्ययन जिसमें जोड़ जो होते हैं ना वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं मैंने कहा देखो तीन प्रकार आते हैं एक भाग वो होता है जहां बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता बिल्कुल मूवमेंट नहीं है मतलब कुछ ऐसे जोड़ जिसको मैं कह सकती हूं कि अगर मेरे दांत जबड़े में धसे हुए हैं मुझे एक छोटा सा केस बताओ कि क्या ये दांत हड्डी इस जबड़े की हड्डी में झूमता नाचता दिखाई देगा कभी अगर ये दांत हिलने लग जाए तो मैम या तो ये धसा रहता है या ये टूट के बाहर ही निकल जाता है कभी ऐसा नहीं होता कि बीच में फिक्स होकर के ये झूमता नाचता रहे कभी पॉसिबल नहीं है मतलब ऐसे जहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता उसी को हम कुछ इस प्रकार के जोड़ में देखते हैं दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि भाई हमारी कुछ पार्ट थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं कुछ बहुत आसानी से मूव कर लेते हैं तो इसी को हम तीन भागों में बांटेंगे यानी कि हम जोड़ों के लिए जो हम अध्ययन की बात कर रहे हैं आर्थ्रोलॉजी इन जोड़ों को हम तीन भागों में बांटते हैं सबसे पहला आता है फिब्रस जोड़ फिब्रस ज्वाइंट जोड, ठीक है फिब्रस ज्वाइंट को हिंदी में कहा जाता है अचल जोड़ या अचल संधि हिंदी में पढ़ते हो ना संधि वर्ड आता है जोड़ कहते हैं जैसे तो अचल संधि का मतलब क्या है मैम चाल चलन है ही नहीं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है तो क्या मैं इसको एक नाम दे सकती हूँ मैं इसको कह सकती हूँ मूवेबल यानी कि ये क्या है बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा इसका उदाहरण क्या होगा मैम कहाँ होती है इस प्रकार के जोड़ इस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं तुम्हारे दांत और जबड़े के बीच में ऐसा देखा है कि दांत और जबड़े के बीच में थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो रहा हो क्यों भाई फटाफट से बताओ। देखा है क्या नहीं देखा ना इसीलिए नहीं देखा मैम क्योंकि दांत हमेशा फिक्स रहते हैं कि या तो अंदर धसा होगा या फिर टूट के बाहर ही निकल जाएगा ये बीच वाला नाचता घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा ठीक है अच्छा इसी प्रकार से हमारे कंकाल की है जो पूरा कपाल होता है ना इसकी हड्डियां यानी कि हमारी सारी क्रेनियम बोन्स जिसे हम कल पढ़े थे आठ हड्डी हमारे क्रेनियम में पाई जाती हैं कपाल की हड्डी कितनी होती है आठ इस कपाल की हड्डी में अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट दिखाई दे गया तो तुम्हारी रातों की दिन की सारी नींद जो है वो उड़ जाएगी बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं जल्दी से बताओ क्यों भाई तो इसको अगर हम देखना चाहें तो मैम यही वाली संधि हमारी क्या होती है जिसे हम कहते हैं ये देखो ये देख पा रहे हैं ये रहा एक हड्डी जिसमें हमने कल पढ़ा भी था ये टेम्पोरल फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल तो फिर एक बात बताओ अगर इसमें मूवमेंट नहीं है तो ये जुड़ी किससे होता है ये पूरी जो हमारी खोपड़ी है ये किससे जुड़ी हुई दिखाई दे रही है मैम यहाँ पाए जाते हैं कुछ टाके जो इन हड्डियों को जोड़ करके रखने का काम करते हैं मतलब अगर आमतौर पे मैं देखू ना जिन हड्डियों में मूवमेंट होता है तो वो देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये जो आप भाग देख रहे हैं एक हड्डी दूसरे के ऊपर आसानी से क्या कर पा रही है मूव कर पा रही है ये वो भाग है जिसकी मदद से हमारी हड्डियों में गतिशीलता नजर आती है यहाँ एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिससे मूव कर पाता है लेकिन अगर ये नहीं होगा तो हमारी हड्डियां बिल्कुल आसानी से क्या होंगी फिक्स होंगी जहां मूवमेंट नहीं दिखाई देता बोलो कहानी समझ आ रही है कि नहीं जल्दी से बताइए एक बार क्यों भाई क्लियर है कि नहीं आधे कह रहे हैं मैम हैप्पी होली मैम एडवांस में चलो भाई तुम्हारे लिए हैप्पी दिवाली एडवांस में यहां पढ़ लो अभी है ना होली दिवाली साल दर साल आएगी चली जाएगी लेकिन तुम्हारा एग्जाम है एक बार रेलवे का निकल गया फिर तुम बैठे रह जाओगे या तो उम्र निकल गई या फिर मैम आगे भर्ती नहीं आ रही है दोनों ही समस्याएं बन सकती हैं ठीक है तो इसीलिए ध्यान जरा यहां दे होली दिवाली के चक्कर में मत पड़ो इधर आ जाओ तो इसे हमने क्या कहा कि मैम ये तो मूवमेंट शो कर रहा है लेकिन अगर मूवमेंट नहीं होगा वो वाला भाग हमारे इस खोपड़ी में दिखाई देता है इस कपाल की हड्डी में नजर आता है ये जो हिस्सा है ना इसको कहते हैं सूचर सूचर कह लो हिंदी में टांके कहते हैं जब कहीं चोट लग जाती है तो टांको की मदद से उसे जोड़ दिया जाता है सेम चीज हमारी यहां पर नजर आती है तो एक उदाहरण ये हो जाएगा कौन सी संधि का कौन से जोड़ का फिब्रस जोड़ जिसको कहा जाता है फिब्रस मतलब अचल है कोई भी चाल चलन नहीं है हिंदी में हम कह सकते हैं अचल और इंग्लिश में कह सकते हैं इमूवेबल ये दोनों ही उदाहरण हमारे इसके दिखाई देते हैं क्लियर है सबको अब मैम एक पार्ट तो आपने ये बता दिया दूसरा भाग आता है जिसका नाम होता है कार्टिलेजनस कार्टिलेजनस जॉइंट इंग्लिश में कार्टिलेजिनस हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है अपूर्ण संधि अपूर्ण का मतलब क्या होता है कि कोई चीज ऐसी है जो होना तो चाह रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई अपूर्ण है अधूरी है अधूरी का मतलब क्या है ये सेमी मूवेबल होती है सेमी मूवेबल मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट इसके अंदर आपको दिखाई देता है स्लाइट मूवमेंट कहाँ होगा मैम जरा इसका उदाहरण तो बताना देखो एक छोटी सी बात बताओ मुझे तुम्हारे रीढ़ की हड्डी की मदद से तुम आईड साइड आगे पीछे थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेते हो रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी मदद से हम थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाते हैं ऐसा तो नहीं है रीढ़ की हड्डी के बल पे मैं पूरी बॉडी को 360 डिग्री घुमा दूं और ये रीढ़ की हड्डी भी मेरी घूम जाए नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता मैम हड्डी टूट के अलग हो जाएगी हाथ में आ जाएगी है ना तो इसे कहते हैं कि भैया हमारी ये वाला जो भाग होता है जिसे हम अपनी पीछे की तरफ मौजूद वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं एक बार कॉमेंट सेक्शन में तो बताना कितनी हड्डियाँ आपके रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं मोनू बिल्कुल आएगा एस एस में भी ये पूछा जाता है ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैम किसी भी एग्जाम को अगर मैं एस के दे रहा हूं अभी सीपीओ आ रहा है सी आ रहा है सी रहेगा किसी भी एग्जाम में आप अगर देने जा रहे हो तो ये डेफिनेटली मदद करेगा ऐसा तो है नहीं कि मैम रीढ़ की हड्डी का जोड़ सी में बदल जाएगा रेलवे वाला अलग पूछेगा ऐसा तो नहीं होगा ना ये देखिए तो भैया आंसर बहुत विभिन्न प्रकार के कोई 25 कोई 26 कोई 36 कह रहा है लेकिन यहाँ मात्र 26 हड्डियां रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं जिन्हें हम कशेरोग स्तंभ कहते हैं और जब बच्चा पैदा होता है तब तेतीस होती है ये कल लिखवाया भी था इसका एक कोड बताया था सी टी एल एस सी सात बारह पांच एक एक कुल मिला के छब्बीस हड्डी व्यसक मनुष्य में होती है तो इन हड्डियों के बीच का जोड़ कार्टेलेजनस होता है क्योंकि ये हड्डियां एक दूसरे के साथ थ्री डिग्री मूव नहीं कर सकती ये खुल करके पूरा फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट नहीं होता क्लियर है सबको तो मैम एक तो एग्जाम्पल ये है दूसरा एग्जाम्पल हमारे कूल्हे की हड्डी का ये एक हड्डी है कूल्हे की ये दूसरी हड्डी है जिसे पेल्विक गर्डल बताया था कल इन दोनों के बीच का जो, जो जोड़ होता है उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं कूल्हे के बीच में पीछे की तरफ जो, जो जोड़ पाया जाता है उसमें भी सिर्फ थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है पूरा मूवमेंट नहीं होता है तो ये दो एग्जाम्पल्स हमें किसके याद करने हैं हमारे कार्टिलेजनस संधि के यहां पर पहला लिखेंगे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी कशेरुक इसमें नाम पेल्विक गर्डल कूल्हे का जोड़ ये भी थोड़ा बहुत मूवमेंट कराता है इसीलिए हमने इसको क्या लिखा ये सेमी मूवेबल है कूल्हे का जोड़ अच्छा यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल और सुनना कल मैंने तुम्हें एक हड्डी बताई थी स्टर्नम ठीक है शबनम नहीं है स्टर्नम है इधर ध्यान दो स्टर्नम के साथ जो पसलियां जुड़ी हुई थी आगे की तरफ रोस्थी जिसको हमने हिंदी में कहा था इन दोनों के बीच में भी जो जोड़ पाया जाता है उसको हम कार्टिलेजनस कहते हैं यानी कि थोड़ा बहुत मूवमेंट मैम यहाँ पर भी दिखाई देता है कहानी सम, समझ आ रही है कि नहीं ऐप में बार बार एरर आ रहा है टेक्निकल है ना डिजिटल इंडिया है कभी कभी हो जाता है आज समस्या है थोड़ी देर में रिजोल्व हो जाएगी तब तक आप इस क्लास को कर लीजिए ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है तो जल्दी से आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए साथ साथ में बाकी तब तक ऐप आप आपकी ठीक हो जाएगी फिर आप अपनी एप्लीकेशन से कवर कर सकते हो ठीक है जी चलो तो इसे कहते हैं तीन उदाहरण किसके सेमी मूवेबल या कार्टिलेजनस ज्वाइंट के अब तुमने एक चीज नोट करी मैम यहां मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ एक तीसरी कैटेगरी मैं बना देती हूं जिसका नाम है साइनोवियल जॉइंट एक था फिब्रस दूसरा था कार्टिलेजनस तीसरा बना साइनोवियल यहाँ अचल है अपूर्ण है इसको कहते हैं पूर्ण संधि पूर्ण संधि मतलब बहुत ही आसानी से यहाँ पर मूवमेंट दिखाई देता है मैं कह सकती हूँ दे आर फ्रीली मूवेबल कैसे हैं ये बिल्कुल आसानी से मूव करते हुए दिखाई देते हैं मगर मैम कोई चीज आसानी से मूव कर रही है तो अकेली तो होगी नहीं इसके लगभग छह प्रकार होते हैं ठीक है लगभग छह प्रकार यहाँ पर होते हैं अब सुनो समझो जरा किस प्रकार से चीजें आपकी देखी जाती हैं कि मैम साइनोवियल जॉइंट है एक हड्डी मेरे पास ये है एक हड्डी मेरे पास ये है कभी सोचो मैम हड्डी ऊपर से अगर एक दूसरी हड्डी के ऊपर घूमती रहेगी तो क्या इसके ऊपर कोई दबाव नहीं लगेगा कोई यहाँ पर स्क्रैच नहीं आएंगे हड्डियों पर कुछ ऐसा नहीं होगा क्या इसमें भी तो आपका जो भाग होता है कैल्शियम फॉस्फोरस का वो पाया जाता है नहीं क्योंकि यहाँ पर ना इन दोनों हड्डियों के बीच में एक द्रव्य होता है एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूड कभी सुना है तुमने कि कहते हैं हड्डियों के बीच का तेल सूख गया है लिक्विड सूख गया है सुना होगा बुढ़ापे में आते आते हड्डी आवाज करनी शुरू हो जाती है क्यों भाई होता है कि नहीं होता स्टिचेस अलग है स्टिचेस थोड़ी लग रहे हैं स्टिचेस तो टांके के कहते हैं ना स्टिचेस लग गए टांके हो जाते हैं भाई क्लियर हो रही है चीजें तो पहुंचा देना एक बार सेशन को जल्दी से शेयर करके आ जाना ठीक है तो मैं इस वाले भाग की बात कर रही हूँ कि ऊपर से हड्डी नंबर वन आ रही है टू आ रही है इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है इस द्रव्य को कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट या साइनोवियल फ्लूइड ये वाला जो भाग होता है इसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूड ये फ्लूइड अगर सूख जाता है जैसे काले में तेल डालना पड़ता है अगर जंग लग जाए या वो ठीक से काम ना करे सेम आपकी हड्डियों के बीच में है यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है या फिर इस प्रकार का साइनोवेल फ्लूड सूख जाता है तब हड्डियां ठीक से काम नहीं करती हैं गठिया वाला रोग गठिया में तो खैर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है ठीक है भाई तो ये आपका साइनोवियल जॉइंट को कहा जाएगा जो उदाहरण मैंने अभी आपको दिखाया था जरा यहां ध्यान से देख लो एक हड्डी ये है दूसरी ये है इसको ये जो जोड़ रही है ना ये वाला भाग दो हड्डियों के बीच में यहाँ एक द्रव्य होता है जैसे साइनोवियल फ्लूड कहते हैं जिसकी मदद से आसानी से जुड़ी भी होती है और इसके बीच में मूवमेंट भी दिखाई देता है ठीक है

फटाफट से आंसर करो एक बार बोलो हाँ कि ना कि हाँ मैडम हो सकता है इसी प्रकार से हमारे कूल्हे में जो यहाँ हमारा ये जो फीमर नाम की हड्डी होती है। ठीक है ये जो हमारी फीमर नाम की हड्डी होती है ना ये जो जुड़ रही है और जांग की हड्डी से जहां पर ये जुड़ी हुई होगी इस जगह पर और इस कंधे में ऐसा लगता है जैसे सॉकेट में आकर के एक बॉल फंस गई हो और ये आसानी से क्या कर सकती है देखो मूव कर पा रही है इसी जोड़ को कहते हैं बॉल और सॉकेट संधि क्योंकि प्रतीत ऐसा हो रहा है कि बॉल जाकर के एक सॉकेट में धस गई है और मूवमेंट कैसा है मैम बिल्कुल फ्रीली दिखाई दे रहा है ठीक है कहानी समझ आ रही है कि नहीं जल्दी से बताओ हो सकता है फ्री मूवमेंट तो बस इसी को कहते हैं फ्रीली मूवेबल किसका भाग है ये साइनोवियल जॉइंट का पहला भाग है पूर्ण संधि पूर्ण जोड़ जोड़ पूरा है पहला भाग आता है जिसको हम बॉल और सॉकेट संधि कहते हैं तो अगर मैं इसकी कैटेगरी लिखूं तो यहां इसके छह भाग है एक एक करके लिख लेते हैं इनको पहला पार्ट होता है बॉल और सॉकेट जॉइंट ठीक है यानी कि आपका इसका उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं बिटवीन हाथ की हड्डी को क्या नाम दिया था ह्यूमरस और कंधे के जोड़ को नाम दिया था पेक्टोरल गर्डल का ठीक है तो आपके ह्यूमरस व कंधे के जोड़ के बीच में ठीक है वो पूछेगा भाई कहाँ पाया जाता है तो आपने पहला उदाहरण दे दिया दूसरा पाया जाता है बिटवीन फीमर जो हमारे पैर की सबसे लंबी हड्डी दिखाई दे रही थी फीमर एंड योर कूल्हे का जोड़ जिसको पेल्विक गर्डल कहा गया है ठीक है फीमर यानी कि जांग की हड्डी व कूल्हे का जोड़ आपसे पूछेगा बॉल और सॉकेट संधि कहां है ये दो आंसर ये दो नाम ये दो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने हैं क्लियर है, है कि नहीं अब आते हैं मैम दूसरे भाग पे ये तो बन गया बॉल और सॉकेट सबको क्लियर है तो एक बार एक थम्सअप का साइन शेयर कर दो फटाफट से बॉल एवं सॉकेट संधि सबको क्लियर है भाई एक बार जल्दी से एक थम्सअप का साइन शेयर कर दो कि मैम ठीक है तो पहला भाग हुआ बॉल और सॉकेट अब देखो दूसरे वाले पे आते हैं इसी का दूसरा टाइप है साइनोवियल के ही हम हाँ ये टाइप्स पढ़ रहे हैं ठीक है कैटेगरी सबसे ऊपर हमारी साइनोवियल की ही है इसका दूसरा भाग आता है जिसे हम नाम देते हैं आपका हिंज ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट का मतलब होता है कब्जा संधि इसको हिंदी में कहा जाता है कब्जा संधि एक बात बताओ तुमने घर में जो गेट लगे होते हैं उन्हें देखा है सबने कि मैम अगर उसमें किवाड़ जो गेट होती है बेसिकली उसके बीच में कब्जे लगा दिया जाते हैं कब्जे की मदद से वो सिर्फ एक दिशा में गेट आपका खुल पाता है ऐसा ही होता है सेम चीज हमारी बॉडी में होती है हमारी बॉडी में भी कहीं कहीं ना ऐसे कब्जे लगे हुए होते हैं देखो जरा इस कोहनी को कि ये कोहनी है मैम सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगी इसको नीचे की तरफ क्या मैं लेके जा सकती हूँ बताओ एक बार मूव तो कर रही है फ्रीली मूवेबल है आसानी से मूव कर रही है लेकिन सिर्फ एक दिशा में क्या ये इससे पीछे जाएगी नहीं जाएगी तो इसीलिए इसको कहा जाता है कब्जा या हिंज जॉइंट। इस वाले भाग को जैसे आप देख रहे हो यह हड्डी देख लो भाई इस प्रकार से मूव करते हुए नजर आती है एक ठीक है ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये आपका कब्जा जो है वो यहां पर बन जाता है दिखाई दे रहा है सभी को कि कैसे ये आसानी से मूव कर रहा है तो इसे कहा जाता है कब्जा संधि जो कब्जे की तरह है कि मैम इस कोहनी के अलावा और कहाँ पाया जाएगा इसके अलावा ठीक है इसके अलावा जो पाया जाता है वो हमारे आ, एडी में पाया जाता है या हम बात करें हमारे घुटने में कि पैर का जो घुटना है ना ये भी एक ही दिशा में मूव करता है अब कुछ लोग अभी मूव करके देखने लग जाएंगे कि हमारे पैर का घुटना भाई देखो पीछे की तरफ तो जा रहा होगा घुटने से नीचे की जो हड्डी है लेकिन वो ऊपर नहीं आ रही होगी ठीक है कि यहाँ से जो मूवमेंट है इस वाले पार्ट का ये पीछे तो चला जाएगा लेकिन आगे नहीं आएगा टूट जाएगा करके मत देखना कभी चोट लग जाए ठीक है तो एट योर ओन रिस्क रेस्क काम करके देखिएगा तो ये दोनों जगह पर क्या है एक ही दिशा में मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं कि भाई आसानी आपका मूवमेंट भी है लेकिन एक ही डायरेक्शन में दिखाई देता है ठीक है तो पैर पीछे की तरफ तो जा रहा है मैडम लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाता तो इसे कहते हैं कब्जा संधि तो अगला वाला भाग इसका उदाहरण आप लिख सकते हो कि ये कैसा है वन डायरेक्शन मूवमेंट है एक दिशा में गतिमान होते हैं एक दिशा में गतिमान होते हैं ठीक है एग्जाम्पल में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे पहला एग्जाम्पल आपकी एल्बो का है ठीक है एल्बो जॉइंट यानी कि आपके कोहनी का जोड़ इसको कहा जाएगा अच्छा दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा एक बार कमेंट में बताओ फटाफट से दूसरा एग्जाम्पल एल्बो के अलावा मैंने आपको क्या बताया आपके एडी में ठीक है तो इसको हम कह सकते हैं आपका नी जॉइंट भी यहां पर ये यह बन जाता है तो ये उदाहरण बनते हैं किसके कब्जा संधि के यानी कि हिंज जोड़ के दिखाई देते हैं तो मैम पहला वाला आसानी से घूम रहा था बॉल और सॉकेट दूसरे वाले में कब्जा लगा दिया एक ही दिशा में हमने इसको घुमा दिया बहुत ही बढ़िया भाई बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने बता दिया अब देखो इसका तीसरा पार्ट जो बनता है मतलब ये दो तो हमारे हैं जो स्क्रीन लेना चाहते हैं स्क्रीन ले सकते हैं आगे बढ़ेंगे इसके तीसरी कैटेगरी पे तीसरी कैटेगरी कहलाती है

इसको कहा जाता है आपका पाइवट जोड़ बोलिए कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही चलो भाई एक बार फटाफट से बताओ कहानी समझ आ रही है तो इसी को कहते हैं आपका पाइवट जोड़ या पाइवट संधि खूटी संधि कि मैम ये खोपड़ी ना खूटी पर टंगी हुई है अच्छा कुछ को समस्या क्या आ रही है कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसे पढ़ लो पहले पीडीएफ क्लास के बाद रंगगस गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आपके पास हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आ जाए इसी प्रकार से ऐसे ही पिक्चर्स और वीडियोस के जरिए हम आपको पूरा जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो कवर भी कराए हैं आगे क्वेश्चन भी आपके चलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारे पास एक भी क्लास की नोटिफिकेशन मिस ना हो ठीक है पी मैं अपलोड करवा दूंगी पहले इसको पढ़ लो समझ लो प्ले ऑलरेडी बनी हुई है ठीक है एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है वो भी रिजोल्व हो जाएगी तो मैडम ये जो स्कल है ना ये जो मैंने टांग दिया ये देखो पहली हड्डी दूसरी तीसरी इनको नाम दिया जाता है हमारी कशेर स्तंभ जो कल वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था जो कल रीढ़ की हड्डी आपकी पढ़ी थी तुम्हें एक बात बताऊं तुम्हें ऑल इंडिया रैंक वन का नाम याद रखते हो टू का भी नाम चलो याद रख लेते हो उसके बाद तो नहीं याद रखते किसकी क्या रैंक आई ठीक है ऐसे यहाँ पे तुम्हें करना है रीढ़ की पहली हड्डी का नाम होता है एटलस आपने जोग्रफी में वो एटलस देखा होगा ग्लोब जिसमें पूरा सब कुछ घूमता रहता है बस ऐसे ही मान लेना कि यहाँ पर ये ग्लोब जो है ये जो खोपड़ी है तुम्हारी ये पूरी की पूरी इस एटलस के ऊपर घूमती है दूसरी हड्डी का नाम क्या है सेकेंड बोन जो होती है उसको कहते हैं एक्सिस रैंक नंबर टू और इसकी जो आखिरी हड्डी होती है ना रीढ़ की हड्डी की उसको कॉकिक्स का नाम देते हैं सी ओ डबल सी वाई एक्स ये होती है लास्ट हड्डी कि चलो ऑल इंडिया वन टू भी याद कर लिया नीचे से कौन टॉप किया है इसको भी याद कर लेते हैं है ना तो ये सारी चीजें याद रखनी है इसके एटलस के ऊपर हमारा ये जोड़ लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे स्कल और इस रीढ़ की हड्डी के बीच में पाइवट जोड़ है पाइवट वर्ड आता है खूंटी के लिए तो तीसरा भाग पाइवट जॉइंट का होता है खूंटी संधि इसको कहा जाता है ठीक है इसे कहते हैं बिटवीन एटलस एक्सेस एंड स्कल आपके कपाल व रीढ़ की हड्डी के बीच अब रीढ़ की हड्डी में भी पहली हड्डी फर्स्ट एंड सेकंड जिसका क्या नाम है फर्स्ट वाली का एटलस है और दूसरी वाली का एक्सेस है तो सबको तो क्लियर हुआ कि पहला भाग मैंने क्या बढ़ाया बॉल और सॉकेट दूसरा हमने क्या पढ़ा कब्जा कब्जा मतलब एक दिशा में है और तीसरा पढ़ा खूंटी का खूंटी जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर की तरफ घूम रही है कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई जल्दी से बताओ फटाफट से बताओ एक बार क्लियर हुआ एक सेशन को जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दे देना कि क्लियर हो गया मुझे भी पता चल जाए और शेयर करके आ जाना जिन्होंने भी नहीं किया है अब देखो इसके बाद जो तीसरे भाग आएगा मतलब तीन के बाद जो चौथा भाग आता है उसको हम एक कहानी से याद रखेंगे तीन जोड़ पाए जाते हैं पहला होता है ग्लाइडिंग वाला जिसको कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट फिर आता है सेडल ज्वाइंट और इसके बाद आता है आपका जिसे नाम दिया जाता है एलिप्सॉइड क्या होता है एलिप्सॉइड जॉइंट ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आपके साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो फ्रीली मूवेबल था बॉल और सॉकेट पाइवट और हिंज हमने पढ़ लिया अब इन तीनों के लिए ना मैडम एक कहानी याद रखनी है कि एक व्यक्ति था ठीक है एक व्यक्ति था जो कि झूले पे झूल रहा था झूले पे मतलब प्लेग्राउंड में चला गया एक छोटा बच्चा मान लो वो छोटा बच्चा जब प्लेग्राउंड में गया और झूले पे झूलने लगा तो वो जो स्लाइडिंग वाले झूले नहीं होते जहां पर जाके बच्चे फिसलना शुरू कर देते हैं वो वहां पे जाके ना स्लाइड करना ग्लाइडिंग स्लाइडिंग करना शुरू कर दिया था ठीक है अब जैसे ही उसने फिसलना शुरू किया उसके बाद वो गिर गया उसको चोट लग गई चोट लग गई तो मैडम वो दुखी हो गया लेकिन वो बेचारा दुख में ना पता है क्या करने लगा डांस करने लगा और डांस भी कैसे एलिप्सॉइड शेप में कैसे एलिप्सॉइड मतलब होता है एलिप्टिकल जो हम इस प्रकार का पाथ देखते हैं ना एक तो होता है सर्कल और एक होता है एलिप्टिकल इस प्रकार का डांस यहाँ पर वो करने लगा क्या क्यों करने लगा क्योंकि मैडम वो झूले पे झूला वो गिर गया गिर गया तो वो सैड हो गया और सैड हो गया तो वो डांस करने लगा अब बोलो मैम ये कौन सी कहानी बता रही हो आप है ना ये कौन सी कहानी ये कहानी है इन तीनों जोड़ों की पहले ग्लाइड किया मतलब ग्लाइडिंग स्लाइडिंग वाले झूले पे झूला फिर उसके बाद वो दुखी हो गया क्योंकि वो गिर गया तो सैड से सैडल याद रखना सैड से सेडल याद रखना और फिर उसने नाचना शुरू किया एलिप्सॉइड शेप में एलिप्टिकल से एलिप्सॉइड शेप में तो ये तीन भाग जो है वो हमारे अगले तीन जोड़ों के नाम है कि ग्लाइड करके दुखी हुआ और दुखी होकर एलिप्टिकल शेप में नाचना शुरू कर दिया आप बोलो मैम ये सारी कहानी तो ठीक है कि चलो वो दुख में नाच रहा है वो सैड होकर के नाच रहा है वो भैया अलग ही केस था एक्सेप्शन होते हैं साइंस में, ऐसे ही वो भी था इन तीनों के उदाहरण क्या है तुम्हारे हाथ के अंदर हाथ के अंदर कैसे पाई जाती है जरा देखो इसको मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे हाथ में कलाई में कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जिसे कहते हैं कार्पल। याद करो एक बार कल बताया था कि नहीं फटाफट से बताओ बेटा ये 21 दिन 21 मैराथन के अंदर ही ऐड कराऊंगी ये टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। तो है। आते हैं इससे भी राइट तो ये वाला भाग देखो कलाई का कलाई में आठ हड्डी बताई थी इनके बीच में जोड़ पाया जाता है ग्लाइडिंग जोड़ कि एक दूसरे के ऊपर कहीं ये हड्डियां फिसल ना जाए ठीक है मैम फिसल गई तो फिर क्या होगा इसके बाद आता है पंजा इसको अलग रंग से बना देते हैं ठीक है फिर आया था पंजा पंजे में कितनी थी पांच हड्डी थी इसको मैंने क्या नाम दिया था मेटा कार्पल का नाम दिया था इसमें पाई जाती है सेडल जोड़ मतलब इन वाली उंगलियों और इन दोनों के बीच में इस कलाई और इस मेटा कार्पल के बीच में फिर इसके नीचे जो उंगलियां थी हमारी उन उंगलियों की हड्डियां थी एक दो तीन एक दो तीन ठीक है कुछ इस प्रकार से ऐसे ही तो थी यहां पाया जाता है आपका एलिप्सॉइड संधि इनके बीच में होती है एलिप्सॉइड तो कुल मिला के मेरे हाथ में जैसा ये हाथ है ना ऐसे ही पैर होता है सेम चीज पैर में पैर का जो एडी वाला भाग है पैर के पंजे और पैर की कलाई तो याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से चीजें दिखाई देती हैं क्या ये सबको याद हुआ कि नहीं हुआ देखो कुछ भी तुम इधर उधर के रेलिवेंट कॉमेंट करोगे ना ब्लॉक हो जाओगे फिर कहोगे मैम मैं क्लास भी नहीं देख पा रहा ऐसा क्या आ, मैंने गलत काम कर दिया तो इसीलिए थोड़ा पेशेंटली इस पे ध्यान दे लो है ना थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दे लो खाम ब्लॉक हो जाओगे फिर बोलोगे मैम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ याद हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताइए तो ये बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है तुम हाथ की बात करो कलाई घूम रही है आसानी से ग्लाइडिंग ज्वाइंट है आसानी से घूम रही है बच्चा आसानी से फिसल गया ग्लाइड कर गया स्लाइड कर गया फिर दुखी हो गया ये इस पंजे की बात कर रहे हैं कि यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में सिर्फ हल्का फुल्का मूवमेंट दिखाई देता है तो ये सैडल वाला भाग है एलिप्सॉइड मतलब उंगलियां उंगलियां आसानी से तुम्हारी क्या कर जाती है भैया मूव कर जाती है तो ये सारे भाग हमारे दिखाई देते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के यहाँ पर आप लिख सकते हो फिंगर्स में है यानी कि उंगलियों में पाया जाता है जितनी भी उंगलियां चाहे वो पैर की हो चाहे वो हाथों की आपके दिखाई देती हैं आई होप दिस इज क्लियर तो भाई याद हुए जोड़ की नहीं हुए एक बार मुझे जल्दी से बता दो सबको जोड़ याद हो गई कि नहीं मैम एक बार मैं इसको शो भी कर देती हूँ कि कहाँ पर चीजें हमारी होती हैं ये देखो भाई ग्लाइडिंग वाला भाग ये रहा ये जो एड़ी का भाग है ना ऐसी हमारी कलाई होती है ऐसी हमारी एड़ी होती है बोलो होता है कि नहीं ऐप पर चल जाएगा एप्लीकेशन अभी इस क्लास के बाद आपकी ठीक हो जाएगी फिर आप आसानी से उसको देख सकते हो ना अभी एप्लीकेशन भी ये कह रही है कि पहले राधिका माम की क्लास कर लो ये टॉपिक मिस नहीं करना है ठीक है फिर आप पे चले जाना फटाफट से चलो जी ठीक तो ये क्या है ग्लाइडिंग जोड़ है जैसे पैर की एड़ी में ऐसे ही आपके हाथ की कलाई में नजर आता है इसके बाद आप देख सकते हो ये देखो अंगूठा दिख रहा है तो अंगूठे के साथ ये जो हमारे पंजे की जोड़ है इसको सैडल जोड़ कहते हैं मतलब हमारे इस पंजे के साथ ये जो अंगूठा और उंगलियां जुड़ी हुई हैं इसको हमने कहा सैडल जोड़ दिखाई दे रहा है सबको अंगूठे की दो अलग अलग हिस्से जो हमारे घूम रहे हैं इसी प्रकार से हमारी जो उंगलियां आती हैं उन उंगलियों के अंदर पाया जाता है कुछ इस तरह से आपका एलिप्सॉइड संधि तो कुल मिलाकर के मैम हमने पढ़ी सारी Uh, जितने भी अलग-अलग जोड़ बॉडी के अंदर उनके बारे में। टू एवरी जल्दी से बताओ भाई कहानी समझ में आई कि नहीं आई ठीक है पिक्चर सबको साफ दिख रही होगी पिक्चर क्लियरली दिखाई दे रही है तो मैम ये होती हैं हमारे वो भाग जो हड्डियों को जोड़ करके रखते हैं तो हमने तीन चीजें पढ़ी इसका जो मेन हमारा भाग था ना वो ये वाला था जिसमें हमने तीन कैटेगरीज को पढ़ा था सबसे पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं था फिर थोड़ा बहुत आया फिर फ्रीली मूवेबल है यानी कि पूर्ण संधि है ये छह प्रकार की थी जिसमें बॉल और सॉकेट संधि पाइवट जोड़ हिंज जोड़ कब्जा संधि फिर हमारा ग्लाइडिंग सैडल और एलिप्सॉइड को हमने याद किया है अब एक बात बताओ हड्डी हड्डी से जब जुड़ती है तो उसको क्या कहते हैं भाई कोई उतक या कोई टिश्यू कुछ तो ऐसा होगा ना जो इसको जोड़ रहा है जल्दी से बताइए मुझे एक बार तो आप कहेंगे कि मम मैम ये तो सारे वो जोड़ हैं जो इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं कि इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ने का काम कर रहे हैं लेकिन यूजुअली हमारे कुछ टिश्यूज भी यहां पर पाए जाते हैं जैसे अगर मैं बात करूं दो चीजों के बारे में एक होता है हमारा लिगामेंट जो आप यहां देख रहे हो ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से ये वाला भाग ये देख रहे हो जो, जो जोड़ रहा है इस टिश्यू को इस वाले टिश्यू को नाम क्या देते हैं लिगामेंट का नाम देते हैं कि ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है कई बार प्रश्न आया है कि दो हड्डियों को कौन जोड़ता है आप बताएंगे स्नायुहाल लिगामेंट इसको यहां पर कहा जाता है अगर मैं कहूं भाई हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना है हड्डी को एक मसल से मुझे जोड़ना है ये देखो ये कुछ मांसपेशियां हैं जो नीचे हाथ की हड्डियों से जुड़ी हुई है नसें ऊपर से पकड़ के दिखा रहा है आपको कैसी दिखती है तो अगर कुछ ऐसा भाग भी मुझे दिखाई देना तो यहाँ टेंडन का नाम आता है ये देख रहे हो कैसे नसें ऊपर से आपकी उभरी हुई नजर आ रही है खैर किसी को पसंद ना आए तो हम एक सिंपल सा डायग्राम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए ये हड्डी आ रही है और ये मांसपेशी है तो मसल को इस हड्डी से जोड़ने वाले कौन होते हैं वहां पर आप नाम देंगे टेंडन का कि ये वाला भाग देखो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ रहा है ये जोड़ रहा है तो इसे मैं क्या कहती हूँ टेंडन का नाम देती हूँ और जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है वो अभी हमने पीछे पढ़ा लिगामेंट का नाम वहां पर दिया जाता है ठीक है तो ये दो चीजें उत्तक के अंदर आती हैं, टिश्यू के अंदर आती हैं, जो कनेक्शन बनाती हैं, जो जोड़ करके रखती हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हो भैया कि बोन टू बोन ठीक है दो बोन्स को आपस में कौन कनेक्ट करता है नाम आएगा लिगामेंट का ठीक है और अगर पूछे बोन टू मसल कौन कनेक्ट करता है मांसपेशी को तो नाम आता है टेंडन का ये दो नाम कई बार पूछे जाते हैं और दोनों ही क्या है आपके ऊतक यानी कि टिश्यू कहे जाते हैं जो हमारे इस कनेक्शन को बनाने में मदद करते हैं तो एक बार फटाफट से मुझे बता दो सबको चीजें क्लियर हो गई कि नहीं देखो अगर थ्योरी कंप्लीट करनी है तो 21 दिन 21 मैराथन पूरी कर लेना अपडेटेड कंटेंट के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें एक एक चीज डिटेल में डिस्क्राइब करी है जो अभी इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपकी क्लासेस यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे उसकी लिंक मिल जाएगी आपको चैनल पर भी इसकी प्ले बना दी गई है तो पूरी थ्योरी कर लो अभी तुम्हें अगले सोमवार से ही मैं तुम्हारे जो प्रैक्टिस सेशन है उसको शुरू कर दूंगी सेम टाइम ग्यारह बजे ठीक है ग्यारह बजे ही हम आपके एमसीक्यू भी करेंगे लेकिन फर्क कितना है कि मैम पहले थ्योरी पढ़नी तो समझ में तो आए पहले थ्योरी पढ़ लेंगे

चलो बहुत अच्छे सवाल बस इतना सा था कि मैम कितनी हड्डियां हमारे कंकाल में पाई जाती हैं यहां आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि मैम कुल मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं ये 206 कब होती हैं जब हम बात करते हैं किसी भी एडल्ट के बारे में किसी व्यसक मनुष्य के बारे में यही अगर तुमसे बच्चों के बारे में पूछता जैसे कि मान लीजिए ये तो एडल्ट के बारे में सवाल था आपने सही उत्तर लगाया अगर का पूछता है तो 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं। अगले सवाल का उत्तर करना एक बार जल्दी से पूछा है हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन आर वर्टिब्रल कॉलम हमारे शरीर के कशेरुक स्तंभ में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं जल्दी से लगाओ आंसर फटाफट से भाई जल्दी जल्दी से कितनी हड्डियां पाई जाती हैं कशेरुख स्तंभ के अंदर सबसे पहले आंसर दिया दीपक गौतम ने बहुत बढ़िया सभी के आंसर्स आ चुके हैं किशोर राहुल पूजा मनीष प्रियंका बहुत अच्छे कितनी हड्डियां हैं कशेरुख स्तंभ है मैम यहाँ बताई थी छब्बीस हड्डियां कोड बताया था सी टी एल एस सी सात बारह 5 एक एक ये थी किसी व्यसक मनुष्य में किसी भी एडल्ट के अंदर ठीक है किसी एडल्ट के अंदर कुल मिलाकर के 26 हड्डी पाई जाती है अब देखो आगे बढ़ते हैं आपसे कह रहा है कि हमारे पूरी बॉडी में हड्डियां तो तुम पढ़ा है भाई यूं बताओ मांसपेशी कितनी पाई जाती है कितनी मसल्स पाई जाती हैं? देखें तो कौन क्या सही उत्तर लगाता है मैम टॉपिक वाइज करा दीजिए एमसीक्यू बहुत जल्द शुरू करूंगी बस आपके मंडे से अभी कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स है अच्छा आप लोगों की डिमांड थी टॉपिक्स खत्म करने की तो उसमें कल हम ब्लड वाला टॉपिक भी करेंगे जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम ब्लड का टॉपिक आप हमें करा दो ठीक है तो कल ब्लड भी पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ेंगे फिर सवाल लगाएंगे जैसे आज हमने किया है ठीक है सिक्स आंसर आ रहा है यहाँ पर देखो लग, लगभग लगभग अगर बात करूं तो ऑन एन एवरेज हमें ये संख्या दिखाई दे जाती है ठीक है ऑन एन एवरेज हमें ये संख्या मांसपेशी की दिखाई देती है कितनी मसल्स पाई जाती हैं तो मांसपेशियों की संख्या भी अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो अगला मुझे एक बात बताओ कि हमारी जो हार्ड एनिमल लेयर होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है जैसे कहते हैं कठोर परत जो हमारी दांतों के ऊपर पाई जाती है वो किससे मिलकर के बनी होती है जल्दी जल्दी से हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ जंतुओं के दांतों की कठोर परत क्या होती है फटाफट से मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में लग रहा है कि हाँ मैम हमने थ्योरी पढ़ी है तो भाई सेशन को लाइक जरूर कर देना जितने भी साथी उपस्थित हैं यहाँ पे मुझे भी लग जाए कि हाँ भाई तुम्हें जितना भी कंटेंट है वो चीजें समझ में आ गई हैं यहां पर अगर हम हार्ड परत की बात करेंगे जंतुओं के अंदर तो आप बता सकते हो आप सबका आंसर होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट का ठीक है लेकिन मैं इसको और डिटेल में अगर पढ़ूंगी ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी ऐसा होता है जिसकी परत हमारे सभी जंतुओं के अंदर उपस्थित होती है इनके दांतों की बाहरी परत को हम कहते हैं सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की परत ठीक है तो हालांकि फॉस्फेट गलत नहीं है ओवरऑल हम कैल्शियम फॉस्फेट ही पढ़ते हैं लेकिन जब ऑप्शन में हाइड्रोक्सी एपेटाइट दिया है तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को सही ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही यहां पर हो जाएगा बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना है अगला सवाल लॉन्गेस्ट बोन बॉडी में कौन सी होती है सबसे लंबी हड्डी बॉडी में कौन सी होती है और ये मत सोचना कि मैम पेपर देने जा रहे हैं तो साइंस हल्की आएगी साइंस का लेवल भी उतना ही बढ़िया आना है जितना बाकी के अन्य सब्जेक्ट है तो हल्के में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ मत जाना गलतियां कर मत देना आंसर है फीमर सभी ने दे दिया है आंसर कि भैया लंबी हड्डी की बात कर रहा है तो जांग की हड्डी होती है फीमर होती है जो हमारे कूल्हे के जोड़ से लेकर के और कहा तक पाई जाती है

दिव्यांश कह रहे हैं कूल्हे से लेकर एडी तक एडी तक थोड़ी होती है भाई फीमर हड्डी सिर्फ और सिर्फ पटेला तक होती है फीमर नाम की हड्डी आपके कूल्हे से आती है और घुटने के कटोरी जिसको पटेला कहा था वहां तक आती है एडी तक तो नीचे फिर ये दो हड्डी और आ जाएंगी डिबिया फिब्यूला जो एडी तक जोड़ रही है तो वो गलती मत करना चलो पेयर पूछा है जोड़ी पूछा है तो मैम बारह जोड़ी होती है कुल मिला के संख्या चौबीस हो जाती है हमारी ठीक है तो इतनी पसलियां पाई जाती है जिसमें से कि बारह में से पहले से लेके सातवीं तक ट्रू रिप्स थी सच्ची पसली थी नंबर आठ नौ और दस को हमने कहा था झूठी पसली फॉल्स रिप्स और ग्यारह और बारह संख्या को कहा था फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई पसलियां ठीक है तो ये अलग अलग भाग भी हमने इसके पढ़े थे अगला सवाल है कितने भागों में आपका मस्तिष्क बटा हुआ दिखाई देता है जल्दी से बताओ बिल्कुल ले सकते हैं प्रवीण कन्नौजिया टेक्नीशियन के लिए आप बिल्कुल क्लास ले सकते हैं आपके एल पी आरपीएफ कॉन्स्टेबल एस आई टेक्नीशियन ग्रुप डी एन टीपीसी सब में आपकी मदद करेगा ठीक है करो करो आंसर करो अब देखो यहां आती है दुविधा मैम ऐसे सवाल में कुछ आंसर तीन दे रहे हैं कुछ दो भी दे रहे हैं कुछ चार दे रहे हैं ठीक है अब होता क्या है आपसे सवाल दिया है कितने भागों में तुम ऑलरेडी मानव का मस्तिष्क पढ़ चुके हो कल मैंने तुम्हें हड्डी बताई थी टेम्पोरल फ्रंटल ऑक्सीपिटल वो हड्डियां थी उसने हड्डी तो पूछी नहीं उसने कहा कितने भाग होते हैं भाग तो तीन ही होते हैं एक होता है फोर ब्रेन अग्रह मस्तिष्क एक होता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन और तीसरा कहलाता है हाइंड ब्रेन जिसको कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क तो तुम कहां भेक गए थे भैया ये बताओ है ना तीन भाग पार्ट पूछा है उसने हड्डियां नहीं पूछी मैम फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन संजय जी ना बहुत बढ़िया भाई तीन जिसका भी आंसर था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को समझो वो वर्ड क्या कह रहा है वो कहते हैं कितनी बोन्स पाई जाती थी ब्रेन में तो वैसे तो हड्डियां कपाल की आठ है चेहरे में चौदह हड्डियां होती हैं और अगर भाग वैसे पूछता तो मैं आपका ऑक्सीपिटल टेम्पोरल फ्रंटल पे आप बता सकते हो ऑल राइट अगला देखो ऑक्सीपिटल क्षेत्र कहाँ आता है बताइए ऑक्सीपिटल नामक क्षेत्र कहाँ आता है जल्दी जल्दी से आंसर करो देखो आप लोगों के लिए ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हमने आर जी स्टेट एग्जाम पे भी शुरू कर दिया है आर जी स्टेट एग्जाम भी हमारा ही चैनल है जिसपे हम शाम पांच बजे आप लोगों की क्लास कर रहे हैं कल वहां पे मैं आपकी क्लास कराऊंगी आपके बायोलॉजी के पोर्शन के साइंस के ए और आर के प्रैक्टिस सेट तो जो चाहते हैं वो वहां पे भी अपनी क्लास कर सकते हैं शाम पांच बजे और कल आप लोगों की क्लास रहेगी उसमें बायो का आठवां प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जिसमें लगभग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर चुके हैं और सुबह ग्यारह बजे कल क्लास रहेगी तुम्हारी जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के

भाग जो है वही हमारे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है मतलब बॉडी आप सीधे चल पाते हो एक दिशा में तो उसे हम कहते हैं सैरेबलम हमारे पोस्टर को मेंटेन करता है वो ठीक है सो आंसर इज ऑप्शन नंबर टी अगला बताइए इनमें से कौन सा जोड़ एक उदाहरण है बॉल और सॉकेट संधि का ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन ह्यूमन रिस्ट जॉइंट हिप ज्वाइंट फिंगर ज्वाइंट या नेक ज्वाइंट आंसर करो एक बार प्लेलिस्ट ठीक uh, है ऋषिकेश घयल मैं अभी आप लोगों को प्लेलिस्ट लिस्ट यहाँ पर शो भी कर देती हूँ कि कहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट जो है वो आपकी उपस्थित है चलो बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है हिप जॉइंट का ठीक है कूल्हे के जोड़ में होता है और एक था शोल्डर जॉइंट ये दो ही एग्जाम्पल थे जहां पर क्या पाया जाता है हमारा बॉल और सॉकेट यानी कि कंधे का जोड़ कंधे का जोड़ एक कंधे में और एक कूल्हे में क्या पाई जाती है बॉल और सॉकेट संधि पाई जाती है अगला सवाल बताओ नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि व्हिच इज सॉरी नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन अकेली गतिमान हड्डी कौन सी है पूरी खोपड़ी के अंदर जल्दी से बताएं अकेली मूवेबल बोन कौन सी होती है जल्दी-जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन नंबर आपका है बारवा एथमोइड मेंडेबल नेजल या लेक्रमल सभी ने आंसर बी दे दिया है बहुत अच्छे मेंडेबल हड्डी जो होती है जैसे मैंने निचला जबड़ा कहा था कि मैम ये नीचे वाला जबड़ा ही ऐसा है जो कि मूव करता है बाकी तो मुश्किल ही कोई मुझे मूव मुझ करता हुआ दिखाई देता है ठीक है क्योंकि मेंडेबल वाला आता है लोअर जॉ के लिए नीचे का जबड़ा एथमोइड हमारे गाल की हड्डी हो गई नेजल नाक के अंदर पाई जाती है लेक्रिमल होती है आंसुओं की अश्रु ग्रंथि जिसे कहते हैं अब ये थोड़ी मूव करेगी यहाँ पे मूव कौन करता है मेडेबल इसके ऊपर वाला भाग होता है मैग्जिला का ऊपर का जबड़ा ये मूव बिल्कुल नहीं करता ठीक है ये होता है अपर जो ऊपर का जबड़ा इसको हम यहाँ पर कहते हैं अगला सवाल लगाइए फिंगर बोन्स को और किस नाम से जाना जाता है फिंगर बोन्स को और किस नाम से जाना जाता है देखिये क्लास आपकी डेली चलती है सुबह सेम टाइम सेम जगह ग्यारह बजे पहली चीज तो अपना टाइमिंग नोट कर लो ये टाइमिंग आपका सेम है फिक्स है मैम की क्लास इसी टाइम पर होनी है डेली होनी है टाइमिंग सेम है ठीक दूसरी चीज पसंद आ गया हो सेशन तो लाइक कर देना तीसरी बात कि मैम इसकी क्लास की जो प्लेलिस्ट है ना मैं एक बार तुम्हें बता दूं जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर, पर परेशान हैं कि क्लास की प्लेलिस्ट हमें नहीं मिल रही है तो देखिए आपको करना क्या है आपको जाना है यूट्यूब पर यूट्यूब पर आप जाएंगे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर यहां पर आप देख सकते हो कि आप लोगों की ये अभी तो क्लास लाइव चल रही है आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर देखिए आप लोगों की ये रही प्लेलिस्ट 21 दिन 21 मैराथन की ये जो 21 दिन 21 मैराथन की आप व्यू करेंगे फुल प्लेलिस्ट ये बनी हुई है जिसमें हम लगातार अपनी 21 क्लासेस को पूरा कर चुके हैं और इसी के अंदर आपकी हम जो अब क्लास होगी उसको ऐड करवा देंगे जो भी अब आपकी ये वाली क्लास आज की हुई है और कल स्केलेटल वाली हुई है ठीक है तो इस प्ले को आप यहाँ पर जाकर के क्या कर लेंगे भैया इसको आप सेव कर लेंगे यहाँ से ताकि आप लोगों के पास ये वाला पार्ट सेव रहे और आप जब भी मर्जी आप अपने इस क्लास को यहाँ से देख सकते हो बाकी कोई भी क्लास अगर तुम्हारी रहती है तो तुम्हें एक काम यहाँ पर क्या करना है कि इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ताकि आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए ठीक है टेलीग्राम आप लोगों का डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यह देखो यहीं पर ऊपर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का इस पर जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके पास ये टेलीग्राम चैनल खुल के आ जाएगा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल बाकी राधिका मैम साइंस के नाम से भी है लेकिन फिलहाल आप इसको ज्वाइन करिए पर आपकी पीडीएफ जो है वो टाइमली अपडेट हो जाती है ठीक है भाई चलो तो टेलीग्राम भी है आपका यूट्यूब चैनल भी है और इसी के साथ तुम्हारे लिए ये सारी चीजें जो है एक ठीक है भाई ये आप लोगों का रहने वाला है तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसा कि लगभग सभी ने दे दिया है है बहुत ही बढ़िया इसको कहा जाता है। उंगली की हड्डी किसी भी बात करें पैर की हो हाथ की हो उसको हम फैलेंज का नाम देते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत आंसर सभी ने दे दिया मेटाकार्पल नहीं है मैम मेटाकार्पल तो पंजे को कहते हैं मेटाकार्पल तो पंजे को कहते हैं जो हमारे हाथ का पंजा था ठीक है भाई चलो अगला सवाल देखो कि रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल मांसपेशियों का जो रिकॉर्ड होता है विद्युत गतिविधि का उसको आप किसके द्वारा मापते हो ये तुम्हें बताना है अगले सवाल में आप सभी पीडीएफ सारी पीडीएफ अवेलेबल है रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम पे जाओगे वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाना ठीक है भाई सेशन पसंद आया है तो लाइक कर देना अच्छा दूसरी एक और बात बता दूं आप लोगों के लिए ना स्पेशली आरआरबी एलपी और आरपीएफ की जो तैयारी कर रहा है आपका ये बैच चल रहा है लाइव अभी आपके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे जहां पर ये कंप्लीट बैच आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग और पूरी जीएस के साथ चल रहा है आप लोग अपनी पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हो आप देख सकते हो इसमें लाइव क्लासेस रेगुलर मॉक टेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस शीट सब कुछ आपको मिलने वाली है अच्छा इसके अलावा आप किसी अन्य एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जो कॉम्बो स्पेशल बैच है बेटा इसके अंदर लगभग सारे सब्जेक्ट्स आपको हर एक सरकारी एग्जाम के लिए कराए जा रहे हैं टी प्लस मीन्स फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें मैथ्स भी है रीजनिंग भी है इंग्लिश भी है जीके जी और साथ में कंप्यूटर भी आपकी है ये दो साल के लिए वैलिड है आपकी एप्लीकेशन है आर जी विक्रमजीत इसको डाउनलोड कर लेना ताकि यहाँ से आप अपने इस बैच को एनरोल कर पाओ कोई भी समस्या रहती है तो ऊपर हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉल करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजोल्व किया जाएगा ठीक है हाँ साइंस के जो भी बैचेस हैं देखो साइंस का बैच अलग से भी चल रहा है साइंस स्पेशल भी है आपका ठीक है ये आपका साइंस का स्पेशल बैच भी है जिसमें मैं और पुष्पेंद्र सर दोनों आपको करा रहे हैं विक्रम आर विक्रमजीत ऐप है इसी पे करवा रहे हैं बाकी मेरा सजेशन रहेगा कि देखो जीएस स्पेशल लेना क्योंकि जीएस स्पेशल में पूरा का पूरा आपका जीएस वाला पोर्शन कवर हो रहा है साथ में कंप्यूटर भी मिल रही है और गणित रीजनिंग भी है तो आप कॉम्बो स्पेशल ले सकते हो ठीक है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी ये क्लास आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जिसको हमने यहाँ पर कवर किया अब ये सवाल आज आप मुझे बताने वाले हैं होमवर्क के अंदर कि इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि विद्युत गतिविधियां जो होती है पेशी की उसका रिकॉर्ड किस रूप में यहाँ पर जाना जाता है ठीक है बहुत बढ़िया तो अब एक बार मुझे जल्दी से बता दो सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं जॉइंस का एक थम्सअप का साइन फटाफट से शेयर कर देना भाई जल्दी जल्दी से चलिए अगर सबको क्लियर हो गया है तो बहुत ही बढ़िया और इसी के साथ कल सुबह ग्यारह बजे सेम टाइम सेम जगह आपसे करेंगे मुलाकात टॉपिक होगा ब्लड का यानी कि रुधिर के बारे में हर एक चीज को हम यहाँ पर कल पढ़ने वाले हैं अभी इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं आप लोग की जो पीडीएफ है वो अपलोड करवा दूंगी बाकी देखो ये तुम्हारी आरपीएफ वॉरियर आ चुकी है जिसके अंदर आपका गणित का पोर्शन आदित्य सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस विद मॉक टेस्ट कवर कराया है तो आप लोग इसको जरूर अपने एमेजोन से या नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से आप मंगवा सकते हो ठीक है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल तो यहाँ से आपको अपनी पी भी मिल जाएगी तो मुलाकात करेंगे कल कॉमन में जरूर बता देना कि इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा और टिल देन हैव अ वेरी गुड डे स्वस्थ रहे मस्त रहे थैंक यू सो मच